हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तीन इजी स्टेप्स में बताऊंगी ऑडिशन के लिए कैसे रेडी होते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि जानना चाहते हैं कि ऑडिशन के लिए रेडी कैसे होते हैं। मुझे भी स्टार्ट में नहीं पता था कैसे रेडी होते हैं। ये मैं पहले फेस वॉश कर रही हूँ। स्किन को ऐसे रब मत करना कभी भी, जस्ट मेक सॉफ्टली ऐसे डैब करें। और ये CTM कर रहे हैं, अभी क्लेंजिंग हो चुकी है, अब टोनर यूज़ कर रहे हैं। पिक्सी का टोनर मैंने यहाँ यूज़ किया है और अपनी स्किन को पूरा साफ़ कर रही हूँ उससे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी पिक्सी का यूज़ किया है मैंने, उससे हल्का सा अच्छे से मैं मॉइस्चराइज़र पूरी स्किन पे लगा लूँगी। मुराद की अंडर आई क्रीम मैंने लगाई है, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाऊंगी मैं अपने फेस पे। एंड आई एम प्रेपिंग माई स्किन फॉर द मेकअप दैट आई एम गोना पुट। फर्स्ट स्टेप फॉर गेटिंग रेडी फॉर एन ऑडिशन इज़ यू डू राइट मेकअप। मैंने मैक का कंसीलर यूज़ किया है, मेरे अंडर आईज़ थोड़े से डार्क लगते हैं मुझे। उसके बाद के ब्यूटी के फाउंडेशन को मैंने ऐसे लगाया और मैं इसको डैब डैब करके अच्छे से अपने फेस पे मर्ज कर दूंगी। LA गर्ल का प्रो कंसीलर यूज़ किया है जस्ट फॉर माय अंडर आईज एंड जॉ लाइन। दिस इज़ फॉर एवर 52 आई शेडो पैलेट, जो कि आप उंगली से भी लगा सकते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं उंगली से क्यों लगा रही हूँ। ये आई शेडो पैलेट ही ऐसा है कि उंगली से लगा सकते हैं आप। और आईब्रोज पे जो फाउंडेशन लगा था वो क्लियर किया मैंने। शुगर का मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया, बेनिफिट की आईब्रो पेंसिल, और ये PAC का काजल है जो मैंने यूज़ किया। नाउ आई हैव डन माई मेकअप, माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पुट माई लेंसेज, विच आई डू इट आफ्टर मेकअप। कुछ लोग बिफोर द मेकअप भी करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं आफ्टर द मेकअप लगाऊं, क्योंकि बिफोर द मेकअप मुझे लगता है उसमें मेकअप बहुत सारा घुस जाएगा। सो आई एम डन विद द लेंसेज नाउ। एंड आवर सेकंड स्टेप इज डूइंग द राइट हेयर। ये मेरी विग देखकर आप शॉक मत हो जाना। यस, विग लगाती हूँ मैं सिर्फ ऑडिशंस के लिए गाइज। एंड दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग। मैंने काफ़ी ट्राई किया इसको पीछे बांधने का, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट आई रियली लाइक दिस टॉप दो। खैर, अब मैं बाल खोल कर विग लगाना सिखाती हूँ आप लोग को कि मैं अपनी विग कैसे लगाती हूँ। पहले अपने आधे बाल पीछे बांध कर मैं टाई कर देती हूँ एक रबर बैंड से, और फिर ऊपर टिक टैक पिन से विग को अटैच करती हूँ बालों पे। एंड दिस विग आई ओनली यूज़ फॉर ऑडिशंस गाइज, मैं और बाहर कहीं पहन के नहीं जाती। आई थिंक मेरे बाल अभी अच्छे खासे हैं, सो बट ओनली फॉर ऑडिशंस आई यूज़, क्योंकि वहाँ पे लंबे बाल थोड़े चाहिए होते हैं, स्पेशली फॉर सीरियल्स, ओनली फॉर सीरियल्स। सो ये बैक कॉम से मैं कवर कर रही हूँ अपनी विग को, ये देखिए, ताकि विग ऊपर से कवर हो जाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि बैक कॉम इज़ नॉट गुड फॉर हेयर, बट कभी कभी करना पड़ता है गाइज़। एंड आफ्टर डूइंग सो मच मेकअप मुझे प्यास लग गई और भूख भी लग गई। ये मैंने घर पे घी बनाया था गाइज़, और अब मैंने परफेक्टली अंडा डाल दिया तवे पे। आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। चिली फ्लेक्स माई फेवरेट, एंड दिस कॉफ़ी माई फेवरेट। इसमें मैं ना बहुत ही थिक मिल्क डालने वाली हूँ, तो ओनली 3 चम्मच डालेगा काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज द मिल्क इज़ वेरी थिक। एंड बन गया है मेरा कॉफ़ी, एंड माई एग एंड टोस्ट इज़ रेडी। अब मैं स्क्रिप्ट याद करूँगी वाइल हैविंग माई अमेजिंग ब्रेकफास्ट। सो गाइस, जो मैं ऑडिशन दे रही हूँ घर से, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर का ऑडिशन है, और मुझे लग रहा है कि ये मेरे स्ट्रेट हेयर सूट नहीं करेंगे फॉर अ नेगेटिव कैरेक्टर। वैसे एक कोविड से पहले का जो टाइम था, तब हम जाके ऑडिशन देते थे सब प्रोडक्शन हाउसेज में, एड्स के भी, हर चीज़ के। बट आजकल सब लोग सेल्फ टेस्ट मंगवाते हैं, ये देखो। तो मैंने घर से ही, मुझे अच्छे से रेडी होके देना पड़ेगा ताकि उन्हें लगे कि आई एम फिट फॉर द रोल, यू नो, आई एम एक्चुअली लुकिंग लाइक द रोल। सो ये मैं बाल अच्छे से टोंग कर रही हूँ। ये मैंने एक थिन स्ट्रैंड लिया जो कि अच्छे से हो रहा है टोंग। थिक स्ट्रैंड मत लेना जब भी आप घर से टोंग कर रहे हो गाइस, जस्ट टेक थिन थिन स्ट्रैंड्स एंड देन यू विल गेट परफेक्ट कर्ल्स लाइक दिस। ये मुझे 1 घंटा लग गया था ये बनाने में, इसीलिए काफ़ी टाइम लगा। देन द मस्कारा एंड लिपस्टिक। नाउ गाइस, लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइटिंग। आप प्रॉपर लाइट में ऑडिशन देंगे तभी वो लोग आपके एक्सप्रेशंस और आपका लुक देख पाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी कम लाइट में था, और ये देखिए, ये थोड़ी और लाइट में था। मैंने विंडो को खोल दिया था और ये प्रॉपर लाइट आ रही थी मेरे फेस पे, एंड देन प्रॉपर सब कुछ मेकअप एंड एवरीथिंग दिख रहा था। गाइस, ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए लुक से रिलेटेड ऑडिशन के लिए, जो रेडी होना जरूरी होता है। बट विदाउट सेइंग, एक्टिंग बहुत जरूरी होती है, जो कि आपको आनी ही चाहिए फॉर ऑडिशंस। एंड कपड़े भी, आप अपने, आपके पास जो भी अच्छे कपड़े हैं वो कैरेक्टर से मिलते जुलते वो आप पहन सकते हैं। एंड नाउ आई एम डन विद माई ऑडिशन प्रोसेस, और मैं आराम से बाल खोल सकती हूँ, अपनी विग निकाल सकती हूँ। एंड इतना अच्छा और लाइट फील होता है after removing my wig, I can't even explain that to you. But I'm so thankful that you guys are watching this, and please follow my channel and subscribe to me if you like my videos. More interesting videos coming very, very soon, guys. I love you all. Bye-bye.